दोस्तों डबचल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्या आपका व्हाट्सएप पहले ऐसा दिखता था, चैट के बगल में स्टेटस ऑप्शन स्टेटस लिखा हुआ आ रहा था और कोई भी स्टेटस को आप बड़ी आसानी से देखते थे। लेकिन अब भी व्हाट्सएप को ओपन करोगे ना तो यहां पे चैट के बगल में स्टेटस की जगह पे जो ना अपडेट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो स्टेटस की जगह पे अपडेट क्यों लिखा हुआ आ रहा है, क्या आप इसे हटा सकते हो, हाइड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, वो तो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग परेशान होंगे, इस अपडेट पे क्लिक करोगे ना तो कटरीना कैप का बार-बार आपको चैनल दिखेगा और मैं तो काफी ज्यादा इरिटेट हो गया। जब भी मैं व्हाट्सएप को ओपन करूंगा ना तो कटरीना कैप का चैनल दिखेगा, ना तो यहां पे स्टेटस दिखता है ना तो म्यूट स्टेटस दिखता है। मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया, काफी सिंपल और साधारण था पहले, बिल्कुल यहां पे ऐसी की तैसी यहां पे कर दिया। लेकिन अगर आप भी चाहते हो कि इससे आप पक चुके हो और बोर हो चुके हो और आप इस अपडेट को आप हटाना चाहते हो, पूरा वाला स्टेटस ऑप्शन और स्टेटस वाला फीचर आप लाना चाहते हो, व्हाट्सएप के अंदर जो चैनल है ये फाइंड चैनल, ये कटरीना कैफे, ये सबको हटाना चाहते हो ना, आप कैसे हटा सकते हो? सिर्फ आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना, एक ऐसी खतरनाक खुफिया मेथड और ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो चुटकियों में आप मिनटों में आप इसे हटा सकते हो, पुराना वाला स्टेटस ऑप्शन दोबारा से आप ला सकते हो, ये चैनल कटरीना वैक कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, वीडियो को पूरा देखना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कहता वीडियो स्टार्ट में नाम सितारे और आप देख रहे होगा टोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आप सबसे पहले जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, एक छोटी सी काम करना होगा, इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करना, कमेंट के अंदर आप अपना नाम या नाइस वीडियो या व्हाट्सएप ट्रिक लिखना काफी जरूरी है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको लेके चलता हूं यहां पे व्हाट्सएप के अंदर। जैसे कि मैं यहां पे व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूं, ठीक है। जैसे मैंने व्हाट्सएप ओपन किया और चैट के बगल में जो ना स्टेटस की जगह पे अपडेट लिखा हुआ आ रहा है ना, इस अपडेट को हटाने के लिए आपको करना क्या होगा, ये जो कटरीना कैफ चैनल हो गया, फैंड चैनल, इस सबको कैसे हटा सकते हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, थ्री डॉट पे जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में आपको जाना पड़ेगा, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। इस वीडियो को स्किप कर दोगे या वीडियो को छोड़ के चले जाओगे फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा, फिर मत बोलना कि मैं फेक वीडियो बनाया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो आपको चैट यहां पे जाएंगे सेटिंग में, तो यहां पे चैट होगा, ठीक है, इस पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद नीचे में देखोगे चैट बैकअप होगा, इस पे आपको क्लिक करोगे ना सबसे पहले नीचे गूगल अकाउंट होगा, इस पे क्लिक करके आप अपना गूगल अकाउंट यहां पे डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी आप अपना डाल देना होगा। तो जैसे डालने के बाद यहां पे आपको बैकअप कर लेना होगा, तो जैसे यहां पे बैकअप करेंगे ना तो आपके व्हाट्सएप के अंदर जितनी भी चैट, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी चीज होगा ना ये आपको बैकअप हो जाएगा, यानी कि आपका चैट वगैरह डिलीट वगैरह नहीं होगा, इसी वजह से आपको बैकअप लेना काफी जरूरी है। तो जैसे आपका बैकअप यहां पे कंप्लीट हो जाता ना, तो कंप्लीट होने के बाद आपको करना क्या होगा, इस व्हाट्सएप को आपको डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहां पर होल्ड कर देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं यहां पर होल्ड किया, ठीक है, होल्ड करने के बाद इस लेटेस्ट वाला जो व्हाट्सएप है इसे मैं अनइंस्टॉल कर देता हूं, यानी कि मैंने यहां पर डिलीट कर दिया। आपको भी यही करना होगा, डिलीट करने के बाद आपको इससे लो वर्जन लेना पड़ेगा, यानी कि ओल्ड एपीके आपको डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कहां से इंस्टॉल कर पाओगे, मैं आपको आसान और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा और यहां पर आपको सर्च करना होगा गूगल पे, यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं होगा टोगा, जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर आपको होगा टोगा आप सर्च कर लेते ना, जैसे आप सर्च करोगे और यह पहला वेबसाइट होगा, इस पर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपको चैनल पे मतलब कि सर्च बार में लिखना होगा यहां पे हाउ टू रिमूव चैनल, यहां पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हाउ टू रिमूव चैनल लिखोगे, जो पहला पोस्ट होगा ना इस पे एक बार दबाओगे, फिर से आपको इस एड को कट कर देना होगा, ठीक है। जैसे कट करोगे पेज ओपन हो जाएगा, पेज ओपन होने के बाद सिंपल आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, एक मिनट वेट करना होगा। जैसे एक मिनट वेट कर लेते हो ना तो यहां पे आपको मिल जाएगा, यहां पे क्या लिखा, डाउनलोड ऑन गूगल प्ले स्टोर, यहां पे लिखा होगा प्ले स्टोर, जैसे कि आप देख रहे हो इस प्ले स्टोर पे क्लिक करोगे ना यहां पर आपको टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, तो टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट भी आप फॉलो कर सकते होगा टोगा, सर्च करोगे ना यहाँ पे ब्लूटिक यहां पर मिला हुआ, तो टेलीग्राम पे हमने जो है ना व्हाट्सएप का ओल्ड एपीके मैंने यहां पर पोस्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे दूसरे मोबाइल के अंदर जो है ना एक ओल्ड एपी के वर्जन था, सिर्फ और सिर्फ वहां पे स्टेटस की जगह पे स्टेटस ही ऑप्शन शो हो रहा था, अपडेट शो नहीं हो रहा था ना, उस एपी को मैंने बैकअप लिया, बैकअप लेने के बाद दोस्तों यहां पे मैंने पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद सिंपल है आपको क्या करना, इसे आपको क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हो तो वेबसाइट के अंदर जाकर के अभी आप चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो या आप सर्च भी कर सकते होगा टोगा, तो आपको मिल जाएगा। तो इसे मैं ओपन कर लेता, ओपन करने के बाद
बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, एग्री पे और कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई कर लेना होगा। चलिए वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई मैंने यहाँ पे कर लिया, ओटीपी भी मैंने डाल लिया। डालने के बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना, अलाउ कर देना होगा, यानी कि परमिशन दे देना होगा। जैसे परमिशन आप दे देते ना, तो यहाँ पे आपको जो ना जो भी आपने चैट को बैकअप किया होगा, जितने भी कुछ भी आपने बैकअप किया होगा ना, तो यहाँ पे बैकअप जो ना डिडक्ट कर लेगा और यहाँ पे बैकअप को रिस्टोर कर लीजिएगा। जैसे रिस्टोर करेगा ना, तो आपका फोटो, चैट, वीडियो, डॉक्यूमेंट, जो भी चीज होगा ना आपके व्हाट्सएप के अंदर पूरा का पूरा रिस्टोर हो जाएगा, वापस आ जाएगा, डिलीट वगैरह नहीं होगा। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते कि फिनिशिंग होना स्टार्ट हो चुका, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉलिंग होना स्टार्ट हो चुका। और फाइनली दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, आप ध्यान से देखो कि चैट के बगल में जो स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है ना अभी, तो पहले यहाँ पे क्या था, स्टेटस की जगह पे अपडेट लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन मैंने अपडेट ऑप्शन को मैंने हटा दिया हूं। सिर्फ जो ना यहाँ पे सिर्फ जो ना यहाँ पे आपको स्टेटस ऑप्शन शो होता होगा, जैसे कि आप देख रहे हो। जैसे कि आप देखो स्टेटस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पुराना वाला जो आपको फीचर मिल जाएगा, जो सिंपल आपको दिखता था, नॉर्मल जो स्टेटस देखते थे, म्यूट वाला स्टेटस देखते थे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कैटरीना कैफ या फाइंड चैनल या चैनल वाला फीचर, वो कुछ भी आपको दिखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको स्टेटस अपडेट ऑप्शन हट जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये कुछ ही दिन आप यूज कर सकते हो, 1 महीना या 2 महीना आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये जो अपडेट है ना, इसे आपको करना ही होगा, आज न कल जो ना इस फीचर का फायदा उठाना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस फीचर का फायदा उठाना ही पड़ेगा। चैनल वाला आपको फीचर आपको दिखना ही पड़ेगा, अपडेट ऑप्शन आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि कुछ दिन तक आप इससे झंझट से हटना चाहते हो, आप इसे हटाना चाहते हो, तो यह ट्रिक जो मैंने बताया हूं उसको आप यूज करके आप इसे हटा सकते हो, जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया और आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे और करना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों, मैं अपने ख्याल लेकर, टेक केयर एंड गुड बाय।